गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे उन एनिमल्स की जिनके ऊपर हम सवारी करने या सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला एनिमल है याक। जो याक होता है वो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, ज़्यादातर हिमालय में और नेपाली इलाकों में। जो याक होता है वो ऊंची नीची सतहों पर और छोटी पहाड़ियाँ बहुत आसानी से चढ़ जाता है। उसके ऊपर सामान ढोकर लोग दूर तक ले जा पाते हैं। दूसरा है ऊँट। जो ऊँट होता है वो रेगिस्तान में चलता है। उसके पैरों के नीचे गद्देदार हिस्सा होता है, जिसकी वजह से उसके पैर रेत में नहीं जाते। वो आसानी से बहुत दूरी तक चल सकता है बिना कुछ खाए पिए। तीसरा जानवर है घोड़ा। घोड़ा इंसानों की स्पीड से तेज़ चल सकता है और इसलिए कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर पाते हैं। चौथा जानवर है बैल। बैलों का इस्तेमाल मैदानी इलाकों में किया जाता है। बैलों के ऊपर अगर बैलगाड़ी लगा दी जाए तो एक बारी में बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। पांचवा जानवर है डोंकी। जो डोंकी होता है उसको मैदानी और पहाड़ी दोनों तरीके के इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है। डोंकी बहुत ही आसानी से ऊबड़ खाबड़ जगहों पर भी चल सकता है। उसके ऊपर एक बारी में बहुत सारा सामान लादा जाता है और ज़्यादातर देखा जाए तो एक साथ बहुत सारे डोंकीज़ एक बारी में ट्रैवल कर सकते हैं। हमारा छठा जानवर है हाथी। हाथी के ऊपर सामान तो नहीं लादा जाता, लेकिन कई लोग हाथी के ऊपर सवारी करते हैं। हाथी के सूंड पर उसको बहुत अच्छे से रंगों से डेकोरेट कर दिया जाता है और उसकी पीठ पर एक डब्बा बांध दिया जाता है, जिसमें लोग बैठकर उसकी सवारी करते हैं।